मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद, कहा 3 करोड़ गरीबों को बनाया लखपति। यूपी टाइप टिप्पणी पर घिरे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कांग्रेस ने बनाया प्रदेश की जनता का अपमान। तेलंगाना सीएम केसीआर ने क्रांति के लिए उठाई आवाज, कहा भारत के संविधान को फिर से लिखने की जरूरत। वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले वनडे में इतिहास रचेगी टीम इंडिया। उत्तर प्रदेश में मिले कोरोना के 4901 नए मामले, 26 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर देवरिया से है, जहां पर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा ने यूपी में काबा का करारा जवाब देते हुए नजर आए, साथ ही क्षेत्र की जनता ने उन्हें माला पहनाकर उनका अभिवादन किया। दीपक मिश्रा ने नेहा राठौड़ के गाने पर उन्हें जवाब देते हुए बताया कि यूपी में भूखे को भोजन है, बिटिया की सगाई है, बेटों की पढ़ाई है और कहीं नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कोई ऐसी बात हो जाती है तो कांग्रेस के लोग जो एकदम लाचार बेचारा हो चुके हैं, तार तार हो चुके हैं, बेचार हो चुके हैं। कांग्रेस के अपने सिपह सालार और नवरत्न, एक तरह से कहा जाए कि राहुल जी के, प्रियंका जी के नवरत्न ही उनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में किसी को यह कहने का हक नहीं है कि यूपी में काबा, यूपी में काबा इपनिका का प्रधान जी बचा सके नहीं। यूपी में काबा, भूखे को भोजन है, नंगे को वस्त्र है, बूढ़ी माँ को दवाई है, बूढ़े बाप को रजाई है, बेटी की सगाई है। खबर संभल से है, जहां पर सिटिंग विधायक को हाजी शकील की खुली चुनौती मिली है। प्रत्याशी हाजी शकील अहमद कुरैशी ने कहा कि यासीन सैफी मेरा छोटा भाई है, वो नवाब इकबाल को घर पर ही बैठा देंगे। यासीन सैफी ने हजारों समर्थकों के साथ हाजी शकील अहमद कुरैशी बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया है और कहा कि जो काम मंत्री होकर नवाब इकबाल महमूद ने नहीं किया, नवाब इकबाल ने 30 साल से कोई विकास नहीं कराया है। ये मैं हाजी शकील भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सराइदीन के अंदर जो काम मंत्री होने के बाद में इकबाल महमूद साहब नहीं किया कब्रिस्तान का, वो हाजी शकील ने खुद करके दिखाया। और मैं समझता हूँ उनके काम करने का जो तरीका है वो शहर को विकास की तरफ लेकर जा रहा है, पूरी विधानसभा को, सॉरी चंबल को। तो मुझे लगता है, और क्योंकि इकबाल महमूद साहब बहुत पहले से है, फिर मैं 30 साल में बहुत इन्वॉल्व हुआ, उन्होंने अपने समर्थकों को ठग ठगा है। उनके जो समर्थक हैं, जिनको नवाब इकबाल को, नवाब महमूद को, नवाब इकबाल को नवाब इकबाल बनाया, उन लोगों की उनकी नज़र में 2 पैसे की भी इज्जत थी। अब BSP क्यों चुनी आपने? देखिए, अभी मैंने BSP ज्वाइन नहीं की है, मैं शकील कुरैशी साहब का समर्थक हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके साथ चुनाव। आज जो यासीन सैफी का आपको समर्थन मिला है तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बहुत बड़े खुशी का दिन हमारे लिए है कि हम दोनों भाई आमने सामने अक्षर पर चलने ही लड़े थे और आज दोनों एक मंच पर हैं इंशाल्लाह, और आने वाले टाइम में भी एक मंच पर रहेंगे इंशाल्लाह। और इससे जो है एक मैसेज पहुँचेगा शहर के अंदर और देहात के अंदर, और हमारी अब लाख से पार जीत है इंशाल्लाह, लाख के पार हमारा हाथी चल रहा और मुखाली 50-60 हज़ार पर अटक रह जाएगा। नवाब इकबाल कह रहे हैं, बोले हम घर बैठ के जीत जाएंगे चुनाव। हाँ, घर बैठ रहे हैं, क्या जरूरत है भाग दौड़ने, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही, घर ही डाल देंगे हम इंशाल्लाह, हमेशा के लिए घर बैठ जाएंगे। तो किस तरह समर्थन मिलेगा इनका? इनका समर्थन बिल्कुल देना था जनशाला 10,000 लोगों। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व राज्य मंत्री के बेटे मनोज यादव ने साइकिल की सवारी छोड़कर हाथ का सहारा पकड़ लिया है। मनोज यादव और उनका पूरा परिवार कई दशकों से समाजवादी पार्टी का नारा बुलंद करते आ रहा था। उनके पिता सपा सरकार में दर्जा प्राप्त करने के बाद राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन सपा से टिकट कटते ही मनोज यादव ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला पासवान और कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी भी मौजूद रहे।
देखिए आज गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे रहे, संघर्षशील साथी और जिनका पूरा परिवार लंबे समय तक गोरखपुर में समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में जिनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज प्रियंका गांधी जी के संघर्ष से प्रभावित होकर के, कांग्रेस की जो नीतियों से प्रभावित होकर के और जो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी ने लगातार दबे कुचले वंचित समाज के लोगों की लड़ाई को लड़ा है, उससे प्रभावित होकर के हमारे नौजवान साथी मनोज यादव जी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, ये इनके साथ जो आए हुए नौजवान साथी हैं वो काम करेंगे और जो दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज की जो लड़ाई है उस लड़ाई में प्रियंका गांधी जी के साथ भागीदार बनेंगे। देखिए इस समय देश के हर नौजवान का कर्तव्य है कि देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और हम नौजवान सड़कों पर संघर्ष किए हैं और अगर जिस भी पार्टी में इतना संघर्ष का इतिहास रहा हो और उस पार्टी में सम्मान न मिले तो ऐसे पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा। और कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश में आई हैं लगातार उन्होंने संघर्ष किया है और उनके संघर्षों से प्रभावित होकर के और कांग्रेस का भविष्य है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और हमारे सभी साथी कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं और हम कांग्रेस पार्टी। भाजपा विधानसभा सीट से विधायक कमलेश शुक्ला के बेटे संजीव शुक्ला मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि जब संजीव शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने साफ बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है और आगे की जो भी रणनीति होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। जी, जो आपको भाजपा से टिकट नहीं मिला और आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? नहीं, ऐसा तो अभी निश्चित नहीं हुआ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या तैयारियां हैं आपको इस बार? तैयारी अभी तक कोई निश्चित नहीं किया है मैंने कि मैं क्या करूंगा और अभी मेरे समर्थक काफ़ी संख्या में जुटे थे और उसमें कई विभिन्न तरीकों की राय आई है और उसको देखा जाएगा, अभी उसमें विचार किया जाएगा। सूत्रों की माने तो आप बीजेपी का दामन छोड़ने वाले हैं क्या? देखिए ये आपके सूत्र जहाँ से हैं ये आप वहाँ से वेरीफाई कीजिए, हालांकि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। आपने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, क्या उद्देश्य था उसका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं अपने शीर्षस्थ नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर में किस आधार पे, क्या आधार रहा उनका। बस्ती में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी और एचआर पॉलिसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में नई नियुक्ति हो रही है, सभी को लेकर जिले के सभी कर्मचारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। सभी कर्मचारियों का कहना है कि 2015 से लेकर अभी तक सभी कर्मचारियों का हर साल वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, जिसको लेकर कर्मचारी नाराज है। देखिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो यहाँ पे कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए थे उत्तर प्रदेश में, और जो पॉलिसी उनकी थी 2015 के अकॉर्डिंग उसको लागू नहीं किया गया और जो FLTA वगैरह मिलता था वो भी लागू नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ अभी नई पॉलिसी लागू करने जा रही है सरकार और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नई वैकेंसी जो आई है NRLM के तहत, जो पहले हम लोगों का जो चयन हुआ था वो सीड कंपनी के द्वारा हुआ था और इसके बाद उसका कार्यकाल अब की दिसंबर में 2021 को समाप्त हो गया। आज हम लोगों ने बस्ती जनपद के सभी प्रोफेशनल जिसमें ब्लॉक मिशन प्रबंधक, जिला मिशन प्रबंधक और सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सभी लोगों ने पुरानी HR पॉलिसी जो हम लोगों को जिसके तहत हम लोगों को काम पर लगाया गया था 2015 में, उसके अंतर्गत आज तक कोई भी वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट हम लोगों का नहीं किया गया है। हम लोग पुराने ही वेतन पे आज तक काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में कुछ विज्ञप्ति भी आई हुई है मिशन की तरफ से जिससे हम लोग सशंकित हैं कि आगे क्या होगा। अभी तक पुरानी HR पॉलिसी लागू नहीं हुई और नए में क्या हो सकता है ये भी एक आशंका बनी हुई है।
तो हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया है कि पुरानी जो एचआर पॉलिसी है उसके तहत। खबर कुशीनगर से है, जहां श्री हनुमंत कृपा ग्रुप सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में रामपुर सिरसेरा में 9 दिवसीय विशाल महायज्ञ का समापन हुआ। महायज्ञ में अयोध्या से आए कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री वीरेंद्र तिवारी द्वारा राम कथा का प्रासंगिक वर्णन किया गया। आपको बता दें कि यज्ञ में मुख्य आयोजक व्यास दुबे और डॉक्टर संजय कुमार सिंह भी रहे। यह जो यज्ञ की भावना है, हमारे पूर्वज के द्वारा पिछले 13 वर्षों से जो है लगातार यहाँ होती आई है, तो उसी के अनुरूप हम लोग 14वां साल भी यहाँ पे हम लोग यज्ञ और रामलीला और जो भी चिकित्सक सुविधा चाहे जो भी सुविधा है यहाँ हम लोग करते आए हैं। और यहाँ पे हमारी जो सिरसिया रामपुर जो कमेटी है या पकवाना जो कमेटी है और जो श्री हनुमत कृपा ग्रुप सेवा ट्रस्ट द्वारा जो अयोध्या के द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये सबके मिलजुल के हमारे पूरे कमेटी हमारे पूरे समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी और पूरे नगर पालिका के सहयोग से हम लोग 14वां साल यह जो है जग को आज आखिरी दिन आखिरी सेवा के रूप में हम लोग ले गए हैं। बहुत सारे श्रोताओं के बीच में जो हम लोग प्रकाश करते हैं अपना डालते हैं, तो जग से बहुत सारी समस्याएं जो हल होती है। जग एक पूजा माना जाता है और 33 करोड़ देवताओं का आवाहन जहाँ होता है वहाँ किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता है। पहले तो खबर रायबरेली से है, जहां गणेशगंज हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक कार से 1,75,000 रुपए बरामद हुए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जिसके चलते 50,000 रुपए से अधिक की नकदी ले जाने पर रोक है। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर बस्ती से है, जहां पर छावनी थाना के NH 28 से शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए चोर राहुल गुप्ता के पास से चोरी का 29 गत्ता सरसों का तेल बरामद हुआ है। इस गैंग के 3 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हाईवे पर खड़े मालवाहक ट्रकों को ये अपना निशाना बताते थे। चोरी के तेल को अपनी गैंग के नेपाल के सहारे रहने वाले सदस्य के जरिए नेपाल में बेचते थे। काफी दिनों से पुलिस को इस गैंग की तलाश थी और इस गैंग के सभी सदस्य पुलिस की गिरफ्त में जेल में हैं। आज दिनांक 1 फरवरी 2022 को थाना छावनी और जनपद बस्ती की एसओजी टीम द्वारा नेशनल हाईवे पर माल वाहनों से चोरी करने वाले एक सक्रिय अपराधी राहुल गुप्ता पुत्र बेचू गुप्ता निवासी कस्बा मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर पूर्व में थाना क्षेत्र छावनी और थाना क्षेत्र हरैया में पंजीकृत सरसों के तेल के चोरी के मुकदमों में से 9 गत्ता फॉर्च्यून ब्रांड सरसों का तेल और 20 गत्ता चंदन ब्रांड सरसों का तेल बरामद किया गया है। साथ ही उस घटना में प्रयुक्त होने वाली एक अर्टिगा वाहन जिसका नंबर UP 53DW 9192 है वो भी पकड़ी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और यह थाना छावनी और एसओजी बस्ती द्वारा किया। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के अपर सत्र न्यायालय MPML कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को साल 2009 के गैंगस्टर के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि मुख्तार अंसारी अभी भी बांदा जेल में बंद है। इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दी। वहीं इस दौरान एडवोकेट लियाकत अली ने बताया कि हाईकोर्ट के डायरेक्टर के साथ गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की ADJ फर्स्ट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। गैंगस्टर के मुकदमे में अधिकतम सजा 10 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद किसी भी व्यक्ति को, यह कानून है 436A में CRPC में, यह कानून है कि किसी भी मामले में जो है अधिकतम सजा से ज्यादा किसी व्यक्ति को जेल में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता।
तो उनको 12 वर्ष 8 महीना हो गया, तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट पिटीशन जो है हैबियस कॉर्पस दाखिल किया गया था कि यह इलीगल डिटेंशन है, 12 वर्ष 8 महीना इलीगल डिटेंशन है, इसलिए उनको जमानत पर रिहा किया जाए, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2021 को एक आदेश पारित किया कि इनको जो है 436A और 428 के सीआरपीसी के तहत इनको जमानत पर रिहा किया जाए। मैनपुरी में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे करहल व किशनी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी, इस दौरान बसपा प्रत्याशी दीपक पेंटर और प्रभु दयाल जाटव ने दावा किया वो आगामी चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे। आगे प्रभु जाटव ने कहा कि मायावती की सरकार में कानून का राज था और वहीं चुनाव जीत कर वो हर वर्ग का विकास करेंगे, तो विकास की बात कही है। साथ ही ये भी बताया कि मायावती की सरकार में कानून का राज था और चुनाव जीतकर वो हर वर्ग का विकास करेंगे। और कौन सी पार्टी का नामांकन किया है आपने? कुलदीप नारायण उर्फ दीपक पेंटर बहुजन समाज पार्टी से। जी, कहाँ से किया नामांकन? करहल विधानसभा। करहल विधानसभा से आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप वहाँ? हम पूरी दमदारी से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और हम करहल के लिए कोई नए प्रत्याशी नहीं हैं, मंत्री जी बाहर से आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लेकिन हम एक संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार 8 साल BSP के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, तो करहल में बच्चा जानता है। सबसे ज़्यादा जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो अत्याचार भी करहल विधानसभा में होता है और हम अपनी पूरी टीम के साथ लगातार उनके बीच में जाके उनको जिला मुख्यालय पर अधिकारियों से मिलवा के उनकी तमाम समस्याओं का निदान कराते रहे। जी, आपकी विधानसभा? किसनी। नाम? अच्छा, क्या है? नाम क्या है आपका? प्रभु दयाल जाटव। आज आपने नामांकन किया है, किस पार्टी से किया है, कौन सी विधानसभा है? बहुजन समाज पार्टी से, किसनी विधानसभा 109। अच्छा, आप अपनी जीत की संभावना कितनी देखते हैं? 110% सीट पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं, बाकियों की तो जमाने जब्त होनी है। ऐसे किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और ये गुंडागर्दी इनकी, गाय भैंस और महंगाई, बहुत सारे मुद्दे, विकास, रोजगार, इतने। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।